हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो घर में, अपने खुश स्वस्थ रहो। आप लोग दिख रहे होंगे मेरे कान खाली हैं। जी हाँ, मैंने झुमके निकाल दी है। गड़ती थी क्योंकि इतना भारी भरकम पहन के ना बड़ा प्रॉब्लम होती। त्यौहार था इसलिए हम पहन लिए थे, तो उतार दिया है। और मैं अपना रोज डेली वाला अपना बाली पहन लूँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जो है मॉर्निंग का। और आप लोग देख रहे होंगे लाइट चली गई है, सुबह सुबह से ही लाइट चली गई है। तो बस अभी हमने चाय बनाया है, तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और दो है ये गेहूं का ब्रेड। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये देखिए लौकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लौकी लाए थे, दो ठो रखी हुई थी। और हमारा दाल और चावल बन गया है। तो बस हमने कहा चलो हम अपनी चाय छान लेते हैं और आप लोगों मतलब अपनी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। त्यौहार बीत गए, आप लोग के त्यौहार कैसे बीते जरूर बताइएगा। और सभी के बहुत ही मौज मस्ती वाले त्यौहार बीते होंगे, क्योंकि ये होली का त्यौहार ही ऐसा है। और अब जो पहले जो होली के त्यौहार होते थे ना, सच में आप पहले जा कर के पीछे झांक करके देखिए, पहले के लोग होली का त्यौहार कितने अच्छे से एंजॉय करते थे। मतलब इतना सबके दिलों में इतना प्रेम होता था, मतलब कि अब क्या बताएं। क्योंकि होली का एक त्यौहार ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रेम का त्यौहार है। सारी आदमी गिले शिकवे और अच्छाई बुराई, मतलब बुराई सारे एक किनारे करके, कितना भी द्वेष हो, मतलब जो है बुरा बुरा हो या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, ये होली का ऐसा त्यौहार है कि आदमी आपस में गले मिल करके सबको सब कुछ भुला देता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ इसीलिए इस त्यौहार का धीरे धीरे लोग मतलब खत्म ही है, उतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता होली के त्यौहार का। और अभी सबके अंदर कुछ और है, मुंह में कुछ और है। लोग गले तो मिलते हैं पर अंदर कुछ भावना दूसरी है, वो मुंह में कुछ और है। तो ये होली का त्यौहार अब उतना मतलब मजा नहीं है। लोग आजकल स्वार्थी हो चुका है जो है, ये कलयुग का इंसान जो है, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया। हम लोगों क्या होली का त्यौहार, हम लोग कॉलोनी में रहते थे, बहुत अच्छे से होता था। पहले के लोग जो है सब कोई अपने अपने घर से निकल कर एक दूसरे के यहाँ जाते थे, गले मिलते थे, अबीर लगाते थे, गुलाल लगाते थे, रंग वगैरह सब। पहले का त्यौहार कुछ बात ही दूसरी थी और अब के त्यौहार की बात ही कुछ दूसरी है। या अब का इंसान स्वार्थी हो गया है, सब अपना अपना देखता है। लोग सोचते हैं कौन एक दूसरे के यहाँ जाए और अपने घर बुलाए किसी को, ये सब खर्चे का त्यौहार है ना। तो बस अभी हम आज यही बना रहे हैं, दाल चावल। आज संडे है और ये लौकी की सब्जी। और आज मेरा छोटा लवर बेटा चला जाएगा जो है 2 बजे, उसका कॉलेज खुल गया है, तो अभी उसके लिए भी मुझे पूरी सब्जी बनानी है। हमने कहा चलो पहले सबको बना खिला देते हैं फिर उसको। और मैंने आलू उबाल करके रखा है, सूखी सब्जी बनानी है। तो हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं जो है। और मेरी मैंने त्यौहार की कल फर्स्ट वीडियो डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और धूप तो बहुत अच्छी हो रखी है और जब पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। हमारे हस्बैंड तो कल एसी चला रहे थे जो है, क्योंकि हमारा रूम ऐसा है ना कि बिल्कुल मतलब हवा उसमें पास नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर वगैरह वहाँ पर तो वही नहीं होता है, तो कल एसी चली थी, तो आज सुबह मुझे बल्कि हल्का सा जुकाम हो गया है। तो आप लोग भी खा लीजिए चाय ब्रेड, चलिए हम भी खा लेते हैं। मुझे दवा खानी है नाश्ते के बाद वाली, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं दोपहर में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो घर में, स्वस्थ रहो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। तो ये मेरे हस्बैंड ले आए थे जो है मंडी से, तो ये परसों ही लेकर के आए थे, पर इसकी अभी नौबत नहीं आई। तो आज हमने सोचा चलो फाइनली डिसीजन ले लिया कि आज मैं इसको बना ही लूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कच्चे केले की सब्जी। तो मुझे बनानी नहीं आती थी, मैं अपने मम्मी से पूछ करके फ़ोन में पूछी हूँ, तो बस मैं बनाने जा रही हूँ। और ये केले की सब्जी मेरे पापा को बहुत पसंद थी, वो खुद बनाते थे, उनको बहुत ही पसंद था, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते थे केले की। मेरे पापा सब्जी बहुत अच्छी बनाते थे, कटहल की हो, केले की हो, और आलू बैंगन पालक सोया बैंगन की सब्जी हो, इस सब की सब्जी बहुत अच्छी बनाते थे। तो मैंने इसके लिए ले लिया है प्याज, कितने प्याज लिया है, 5 प्याज लिया है, 2 पोटी लहसुन लिया है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है। और इसके लिए मैं लूँगी 3 टमाटर अभी लूँगी। तो अभी मैं पहले इसको छील काट लेती हूँ इस केले को, और जो है, और वहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है बटोइया में चाय। तो आप लोग सोच रहे हो कि बटोइया में चाय कौन चढ़ाता है? जी हाँ, चढ़ाता तो नहीं है, पर
लेकिन बटुया में ही दूध रखा था मेरा जो है परसों कल ही का, तो मैंने कहा अब कौन दूसरा बर्तन वो करे, अब हम हाउसवाइफ ऐसे ही है ना, दोबारा दूसरा बर्तन क्यों जूठा करे। मैंने कहा चलो बटुया में ही चढ़ा देती हूँ, तो मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया इसमें। तो आज मेरे यहाँ मेरा अदरक ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, तो अदरक लेके आएगा। तब तक मैं अभी ये पकेगी, तब तक मैं वो अभी उसको दूध लेने जाना है, और ये शाम का दूध है तो फ्रिज में रख दी थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो बस आज नाइट में हम यही बनाएंगे, केले की सब्जी। और कैसे बनाएंगे ज़रूर आप लोगों से थोड़ा थोड़ा ज़रूर शेयर करेंगे, और आप लोग की होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा। तो ये होली तो मस्ती भरा त्यौहार होता है, तो हमने भी मनाई गुलाल की होली घर में, सबको लगाई खेली। बस इसके अलावा हम ज़्यादा नहीं मतलब खेले होली वगैरह, हमको पसंद भी नहीं है, ये सब बचपनों का त्यौहार था उछलना कूदना, लेकिन अब ये सब अच्छा नहीं लगा करता है। बस हाँ गुलाल की होली खेला, सबको गुलाल लगाया, तो हो गई होली। और होली केवल रंगों और अबीरों की ही होली नहीं होती है, होली होती है दिल के मिलन की होली, आप मतलब बुराइयों को मिटाने की होली, अच्छाइयों की जीत की होली होती है, सही कहा है ना मैंने, और प्रेम की होली होती है, और एक घृणा ईर्ष्या द्वेष सबको हटा करके प्रेम की होली खेली जाती है, फूलों की होली खेली जाती है जिसको कहते हैं। तो मेरे मन में एक गाना था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, जब याद आएगा तो ज़रूर सुनाऊंगी आपको। तो चलिए ठीक है, इसको मैं पहले छील लेती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले छील लेते हैं, केले को सभी को छील लेंगे, और कोई पेपर है पेपर ले लेते हैं, इसी में छिलका रखेंगे। कच्चा केला, इसको बहुत से लोग उबाल के भी बनाते हैं, बहुत से लोग कच्चा ही बनाते हैं, हम कच्चा ही बनाएंगे, क्योंकि हमने अपने मम्मी से पूछा तो वो कहें बेटा कच्चा ही बनाओ आप, उबाल करके सूखी बनती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रसादार बनाना चाह रही हूँ, इसीलिए छील के बनाऊंगी जो है। तो इसी तरह मैं सारे केले को छील लूंगी, भगोना ले लिया है तो इसी तरह मैं सारे छील लूंगी। केले का छिलका कितना मोटा होता है देखा, देखिए। तो चलिए ऐसे मैं सारे छील लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने केले को जो है काट लिया है, कतरा कतरा जो है गोल गोल, और मसाला भी यहाँ तैयार करके रख लिया, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सब कुछ मैंने उसको भी तैयार कर लिया है। तो बस चलिए बनाते हैं आज केले की सब्जी, और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की ग्रेवी भी बना ली है, तो चलिए बनाते हैं आज केले की सब्जी। और यहाँ मैं चाय बना रही थी, तो आप लोग सोच रहे हो कि बटुई में बना रही है, जी हाँ दूध रखा था बटुईया में, तो मैंने कहा क्यों दूसरा फंसाएं इसी में बना लेते हैं। और यहाँ पे लहसुन मिर्चा अदरक इसको भी मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और यहाँ पर ये मसाला भून लिया है, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर की ग्रेवी बना ली है। तो बस अभी मुझे जस्ट अभी इसको बनाना है, मैं बनाऊंगी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ मेरी बन रही है चाय बटुया में, स्पेशल बटुया चाय। आप लोग बोलोगे जी हाँ बटुया में ही दूध था, तो मैंने इसी में बना लिया है, तो आज मैं यही टाइटल भी डालूंगी, बटुया में बनी है चाय।
आप भी पीजिए। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा बना लेते हैं, दूसरा बर्तन क्यों जूठा करना है ना। तो बस यहाँ पर मेरा सब कुछ रेडी है, बस मुझे इसको छौंकना है। तो जब मैं छौंकूंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है कढ़ैया में तेल डाल दिया है। तो अभी केले को मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी। बहुत से लोग केले को उबाल के बनाते हैं पर अपना अपना बनाने का ढंग होता है। तो बस यहाँ पे मैं केले को फ्राई करने लगी हूँ और इसको बहुत ज़्यादा मतलब लाल नहीं करना है, हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब ये चेक कर लेना है कि ये दबने लगा कि नहीं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा केला फ्राई हो गया था तो मैंने सारे निकाल करके रख दिए हैं सिल्वर पेपर में। तो उसका जो काला काला फोटो आता है, वाइट नहीं आता, प्रकाश क्यों नहीं आता इसमें। तो बस अभी जस्ट ये मेरा फ्राई हो गया, इसके बाद मैं अब केले की सब्जी की आगे मतलब तैयारी करूँगी बनाने की जो है। तो मेरे हस्बैंड केला लाए थे और सच में ना कच्चे केले की सब्जी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मेरे पापा जिंदा थे ना तो उनको केले की सब्जी बहुत ही पसंद थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने चढ़ा दिया फिर से कढ़ैया और उसी ऑयल में ही मैंने डाल दिया है जो है जीरा, और उसके बाद जो मैं प्याज जो है मतलब वो करके रखी थी तो बस प्याज को उसमें डाल दिया है। और प्याज को अच्छी तरीके से भूनूंगी, और कोई भी सब्ज़ी हो जब तक अच्छे से सारा कुछ भून नहीं जाता है ना उस सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है। आप चाहे किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाइए, सारा जो है गुण उसके भूनने में मसाले में ही होता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने मसाला गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, ये लहसुन प्याज मिर्च अदरक था टमाटर था सब कुछ था तो उसी के वजह से मतलब ये इतना ज़्यादा ग्रेवी हो गई थी। फिर मैंने जो टमाटर पीसा था उसको डाल दिया, आपको नहीं दिखा पाई मैं। तो बस यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि जो है तेल से मसाला जो है मतलब ये कढ़ैया में तोड़ने लगे। तो बस यहाँ पर हमारा मसाला भूनने के करीब ही है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि तली से छोड़ने लगा है मसाला, क्योंकि मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तभी फिर हम केले को डालेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला भून गया था तो और फिर मैंने केले को जो फ्राई करके मैं रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया। और सच में ना आप लोग भी बनाओ केले की सब्ज़ी ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने तो बनाया था, मेरे सास ससुर को तो थोड़ा कम पसंद आया पर और घर में हमारे हम खाए, मेरे हस्बैंड खाए, मेरा बेटा खाया, अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर ये देखो जो है ये अच्छे से मेरा जो है ये भून गया था, केला भी मसाले में अच्छे से जो है मिक्स हो गया था। तो अब इसमें आ गई है पानी डालने की बात, केला की सब्जी खाइयो, इसमें पानी नहीं डालेंगे, केला की सब्जी खाइयो, फ्राई है। तो बस यहाँ पे मेरी सास बैठ गई, बताओ खाइयो कि ना खाइयो, बता खाई हो कि ना खाई हो, खाई हो तो बताइए ना, खाई हो केला की सब्जी, एक एक देखो केला की सब्जी खाई हो, हाँ हाँ नहीं आएगी तुम्हारी पागल। अच्छा मेरी सास जो है बाहर बैठी थी तो मेरा छोटा वाला बेटा उन्हें अंदर लिवा ला रहा था तो वहाँ पे बैठा दिया था। तो कहत रही का बनाती है, तो मैंने कहा केले की सब्जी खाइयो, कहे हाँ मैं खा ली हूँ एक रोटी, हमने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने पानी डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी केला जो है फ्राई किया हुआ है। तो बस यहाँ पे और केले की सब्जी ना गड्ढी गड्ढी ही अच्छी लगती है, सूखी भी बनाते हैं बहुत से लोग पर इस तरह ग्रेवी वाली भी तो और टेस्टी लगती है। आप चाहे राइस से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, चाहे पूड़ी से खाइए, चाहे परेठा से खाइए। तो बस यहाँ पर अब मैं नमक डाल रही हूँ और नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मेरे यहाँ नमक ना कम ही खाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो मेरे हस्बैंड मतलब कहते हैं कि मुझे नमक ज़्यादा मत खिलाया करो, कभी हो ही जाता है, कोई मतलब ये नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, मैंने सोचा कि अच्छे से ये मतलब वो हो जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, मतलब उतना ही पानी है जितने में ये केला मतलब तर रहे पूरा जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, फिर ऊपर से पानी डाल ही दिया था। तो बस यहाँ पे मेरा बन के रेडी हो गया है, यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी डाल दी है। तो कैसी बनी है केले की सब्जी ज़रूर बताइएगा आप लोग, सच में ना बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी खा लीजिए रोटी केले की सब्जी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी केले की सब्जी बन करके रेडी हो गई है और मैंने सबको दे दिया है खाना, मैं भी खा रही हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए, केले की सब्जी है और यहाँ पे ये दो रोटी है, थोड़ा सा सुबह का ये चावल है। तो चलिए आप भी खा लीजिए और मैं बताती हूँ खा करके कि किस तरह केले की सब्जी बनी है।
चलिए खाती हूँ और बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है, तो मैं सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, खिला तो सकती ही नहीं हूँ। तो चलिए आप लोग भी बनाइए इस तरह केले की सब्जी, सच में ना बहुत ही टेस्टी लगा करती है केले, कच्चे केले की सब्जी। और देखिए किसके कितने गुण हैं, पके केले भी खाए जाते हैं, कच्चे केले की सब्जी भी खाई जाती है, इसको आप कोफ्ते भी बना के खाओ, पकौड़ी भी बना के खाओ। केला एक गुण अनेक, फायदे भी अनेक। तो चलिए ठीक है, हम खा लेते हैं और आपको गुड नाइट भी बोल देते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।